మణిపూర్ హింసకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ముఖ్యమంత్రి బీరెన్ సింగ్ కారణమని ఆ రాష్ట్ర బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి వినోద్ శర్మ ఆరోపించారు. ఇద్దరు మహిళలను నగ్నంగా ఊరేగించిన ఘటన వల్ల అంతర్జాతీయంగా భారత్ పరువు పోయిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ధర్మాన్ని గురించి మాట్లాడే పార్టీ పెద్దలు మహిళలను అవమానించి చంపమని సనాతన ధర్మంలో ఉందా అని ప్రశ్నించారు. देखिए, मैं काफ़ी दुखी मन से अपने आदरणीय अध्यक्ष नड्डा साहब को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को मेल किया कि इस घटना से पूरा देश, मणिपुर में जो घटना घटी है, जिस तरह से हमारी बहन बेटी को पूर्ण नग्न करके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया गया, जुलूस के शक्ल में पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई है. उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं, उनको हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करें. हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस ने भी उन्हें संकेत दिया, उनको भी बोलना पड़ा कि मैं कार्रवाई करूंगा. उसके बाद भी कार्रवाई करने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इससे शर्म की बात क्या होगी. भाजपा बेटी बचाओ और नारी सुरक्षा की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू सनातन की बात, राष्ट्रीय सनातन धर्म की बात करती है. क्या सनातन धर्म में है कि अपनी बहन बेटियों को सड़कों पर घुमाओ, भारतीय बेटियों का अपमान करो? तो हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक मानवता के कारण इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया. क्या आपने पार्टी आला कमान से कोशिश की थी बात करने की इस मुद्दे को लेकर? मैं दिल्ली गया, 5 दिन तक रहा, अभी लौटा हूँ. सबसे संपर्क किया, हमको कहा गया कि आप डिबेट इसके पक्ष में कीजिए. मैं कहा कि इस मुद्दे पर मैं पक्ष में नहीं बोल सकता, मैं नहीं गया. और इस मुद्दे को आने के बाद मैंने निर्णय लिया कि ये लोग कोई सुनने वाला नहीं, ये लोग सत्ता का लोभी है, सत्ता के लिए सारा काम करता है, ये लोग बहन बेटी और देशवासियों के लिए कोई इनको फिक्र नहीं है. क्या